वीडियो मौत हो रही है। उस हालत में पप्पू यादव को डीएमसीएच में भेजना आप इसको कितना उचित समझ रही है? क्या भारत में और कोई हॉस्पिटल नहीं था इससे अच्छा? सारी बात तो आपने ही कह दी। मैं जवाब देता हूँ आपको। मुख्यमंत्री साहब से पूछिए, उनके स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए, जो पीछे वाला बिल्डिंग है उसमें लगभग बता रहे हैं कि 25-25 मौतें एक साथ हो रही हैं और लाशें निकल रही हैं। पप्पू जी को जो रूम दिया गया है उसमें VIP लिखा हुआ है रूम, और मेरे बैठे बैठे ही वहाँ पे जो 12x8 का रूम है 6-7 लोग घुस रहे हैं, और उनके आने के बाद ही वहाँ पे रिपेयर का काम हो रहा है, टॉयलेट बनाई जा रही है। वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कोविड किसी को पता नहीं है, पर उनको हायर मेडिकल फैसिलिटी की बात कही गई थी। निश्चित तौर से बिहार सरकार ने तय किया कि वो दरभंगा का जो डीएम है ना, ये डीएमसीएच मेरे ख्याल से बिहार के लिए यह सबसे बेस्ट हॉस्पिटल होगा। उनका जो 8x12 का जो रूम है, मेरा मन तो किया अभी फोटो ट्वीट करें हम, मेरे ख्याल से 1-1 इंच मोटे मच्छर हैं वहाँ पे। आदमी कोविड से नहीं मरेगा तो मलेरिया और टाइफाइड से मरेगा। और एक रूम छोड़ के वहाँ पे ICU है जहाँ में पेशेंट बाहर ही बैठे हुए हैं। रूम के पीछे नाला है जिसमें से मोटे मोटे मच्छर निकल कर रूम में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बिहार का स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, कहा जाता है कि ये जो VIP वार्ड है। मौत हो रही है। उस हालत में पप्पू यादव को DMCH में भेजना आप इसको कितना उचित समझ रही है? क्या भारत में और कोई हॉस्पिटल नहीं था इससे अच्छा? सारी बात तो आपने ही कह दी। मैं जवाब देता हूँ आपको। मुख्यमंत्री साहब से पूछिए, उनके स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए, जो पीछे वाला बिल्डिंग है उसमें लगभग बता रहे हैं कि 25-25 मौतें एक साथ हो रही हैं और लाशें निकल रही हैं। पप्पू जी को जो रूम दिया गया है उसमें VIP लिखा हुआ है रूम, और मेरे बैठे बैठे ही वहाँ पे जो 12x8 का रूम है 6-7 लोग घुस रहे हैं, और उनके आने के बाद ही वहाँ पे रिपेयर का काम हो रहा है, टॉयलेट बनाई जा रही है। वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कोविड किसी को पता नहीं है, पर उनको हायर मेडिकल फैसिलिटी की बात कही गई थी। निश्चित तौर से बिहार सरकार ने तय किया कि वो दरभंगा का जो डीएम है ना, ये डीएमसीएच मेरे ख्याल से बिहार के लिए यह सबसे बेस्ट हॉस्पिटल होगा। उनका जो 8x12 का जो रूम है, मेरा मन तो किया अभी फोटो ट्वीट करें हम, मेरे ख्याल से 1-1 इंच मोटे मच्छर हैं वहाँ पे। आदमी कोविड से नहीं मरेगा तो मलेरिया और टाइफाइड से मरेगा। और एक रूम छोड़ के वहाँ पे ICU है जहाँ में पेशेंट बाहर ही बैठे हुए हैं। रूम के पीछे नाला है जिसमें से मोटे मोटे मच्छर निकल कर रूम में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बिहार का स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, कहा जाता है कि ये VIP वार्ड है।